नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों प्लीज, आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप सबसे पहले वीडियो को टक से लाइक कर दे, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। के लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वे टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। रात को फूलों को भी मालूम नहीं होता कि सुबह होने पर मंदिर जाना है या कब्र पर जाना है। इसलिए जिंदगी जितनी जी सको मस्ती से जियो। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं हो। दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता जब बच्चे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। दुनिया की कोई चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। जो इंसान दिल का दर्द नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, जिससे हम आसान शब्दों में कल कहते हैं। दो लोगों से होशियार रहो, एक वो जो तुम में वो कमी बताए जो तुम में नहीं, और दूसरे वो जो तुम में वो खूबी बता रहे हैं जो तुम में नहीं। जरूरत से ज्यादा मिले उसे कहते हैं नसीब, और भगवान का दिया सब कुछ है फिर भी रोता है उसे कहते हैं बदनसीब। और जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी सदा खुश रहता है उसे कहते हैं खुश नसीब। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणाओं को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहें। सबसे बड़ी हकीकत, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। किसी का किया एहसान कभी मत भूलना, और खुद का किया एहसान कभी याद मत रखना। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण जी से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है, कौन अग्नि से तेज है और काजल से काला कौन है। श्री कृष्ण जी ने मदमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप और क्रोध अग्नि से तेज और कलंक काजल से काला है। जीवन एक अपार संभावनाओं की बहती नदी के समान है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप बाल्टी लेकर खड़े हैं या चम्मच। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वह लोग आपके लोन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेते हैं। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितने उनमें समझ है। कमा लेना आंखें तालाब नहीं फिर भी भर आती है, और दिल कांच नहीं फिर भी टूट जाता है। खूबसूरत जिंदगी का राज, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए। इस कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, इसलिए कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते वह बाद में आंसू बहाते हैं। जिस मेहनत से तूने आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिखाएगी। चोब ले खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे पुनः बनाएगी। अब मुझे जिंदगी में यह अफसोस अपनाने हैं, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हक से ज्यादा यकीन नहीं करना, दिल की बात हर किसी को नहीं बतानी, अकेले रहना है और हर हाल में खुश रहना है। देख लिया यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।